लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में देर रात निधन हो गया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश हैदराबाद की घटना को लेकर गुस्से में था, खासकर बहनें और माताएं, और उसके बाद उन्नाव की घटना उसी तरह से हुई। उन्नाव की घटना बीजेपी सरकार में पहली नहीं है। जो बेटी के साथ हुआ वह बहादुर थी, उसकी आखिरी शब्द थे कि वह जिंदा रहना चाहती है। सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। हमारे लिए यह काला दिवस है। एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हम उसे न्याय नहीं दे पाए। अखिलेश यादव ने अंत में यह भी कहा कि जब तक यूपी के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी रिजाइन नहीं करते, पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। हम कल पूरे राज्य के सभी जिलों में उन्नाव रेप केस को लेकर शोक सभाएं करेंगे।